Now next program, counting number of vowels and number of consonants in a given strings. Means किसी भी string के case में possible characters क्या हो सकते हैं? String क्या? String is a less restricted data types और less restricted types. Means string के अंदर किसी भी type के characters और symbols assign करना possible है. Suppose अगर आपके पास कोई string available है, then string के अंदर किस type के symbols possible है? Maybe alphabets, maybe digits or maybe some special symbols. Out of them आपको only count क्या करना? Number of vowels and number of consonants. तो इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जस्ट मैं प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ और यूजर डिफाइंड फंक्शन, इस फंक्शन का जस्ट रिटर्न टाइप यूज करेंगे void, क्योंकि फंक्शन का वर्किंग क्या है? जस्ट डिस्प्लेइंग काउंटिंग वोवेल्स और काउंटिंग कंसोनेंट. क्योंकि इस केस में अगर आप वोवेल्स और कंसोनेंट को सेपरेटली काउंट करो देन टोटल काउंटर के रिस्पेक्ट में रिजल्ट्स कितने क्रिएट होंगे? 2 रिजल्ट्स. और किसी भी फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कराना पॉसिबल नहीं. देन इस केस में जस्ट फंक्शन इटसेल्फ डिस्प्ले क्या कराएगा? रिजल्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग प्रोग्राम. मीन्स जस्ट मैं फंक्शन नेम यूज करूँ एज अ काउंट प्लस एज अ आर्ग्यूमेंट सप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए जस्ट यूज किया करो आइदर पॉइंटर टाइप और जस्ट सिंपली एरे डिक्लेरेशंस. एरे डिक्लेरेशन भी कन्वर्ट किस फॉर्म हो जाए? इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स. फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? जस्ट जो भी आपके पास स्ट्रिंग गिवन है लाइक दैट, लाइक प्रोग्रामिंग देन इसके साथ साथ उन्हें प्रोवाइड किया सम स्पेशल सिंबल्स लाइक हैज 1 2 3 हैज 1 2 3 देन बाद में सबसे एंड में अपेंड क्या हो जाए? जस्ट नल कैरेक्टर. मीन्स अगर आपके पास स्टाइल्स कोई स्ट्रिंग है या इनपुट के बिना है, इस केस में आपको फाइंड आउट क्या करना है? काउंट क्या करना है? नंबर ऑफ वोवेल्स एंड कंसोनेंट. वोवेल्स के रिस्पेक्ट में बात करें अल्फाबेट्स के केसेस में, अल्फाबेट्स जस्ट 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है, वोवेल्स एंड कंसोनेंट. वोवेल्स मीन्स ए E, I, O, U. इन 5 कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे एज अ वोवेल्स. रिमेनिंग अल्फाबेट्स कंसिडर होंगे, आउट ऑफ देम कंसिडर करोगे एज अ कंसोनेंट. प्लस इसके अलावा वोवेल्स की बात करें तो वोवेल्स 2 फॉर्म में पॉसिबल, अपर केस और लोअर केस. सेम है, लोअर केस के केस में भी कितने पॉसिबल होंगे? 5 केसेस, ए, ई, आई, ओ एंड यू. क्लियर? इस टोटल कितने केस क्रिएट हो रहे हैं इस केस में? 10 केसेस. 10 के अलावा रिमेनिंग अल्फाबेट्स क्या होंगे? जस्ट कंसोनेंट्स. लेकिन कंसोनेंट के अलावा अदर पॉसिबल सिंबल्स क्या? मे बी स्पेशल सिंबल्स और सम डिजिट्स. तो स्पेशल सिंबल और डिजिट्स को फिल्टर करने के लिए सबसे पहले इसे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए रिक्वायर्ड किया हुआ सम लूपिंग स्टेटमेंट. लूप्स के रिस्पेक्ट में जस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ वेरिएबल आई. इस केस में आई का पर्पज क्या है? जस्ट ट्रेवर्सिंग कंटेंट ऑफ द गिवन एरे और स्ट्रिंग. नेक्स्ट वन, काउंटिंग वैल्यू स्टोर कराने के लिए यूज क्या करेंगे? वोवेल्स काउंट वी सी विद इनिशियल वैल्यू 0. सेम एज कंसोनेंट काउंट एज सी सी इक्वल्स टू 0. मीन्स अगर कोई भी कैरेक्टर कंसोनेंट होता है देन एवरी टाइम इंक्रीमेंट किसमें कराएंगे? सी सी में, कंसोनेंट काउंट. सेम एज अगर वोवेल्स फाउंड होता है देन इंक्रीमेंट किसमें कराओगे? वी सी में. देन इसे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे? लूपिंग स्टेटमेंट सम इंडेक्सेस आर एंड सो ऑन. लूपिंग स्टेटमेंट की किस बात करें? स्ट्रिंग को ट्रेवर्स या किसी भी एरे को ट्रेवर्स करने के लिए बिगिनिंग इंडेक्स असाइन करोगे ऑलवेज 0. बस स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में, स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट लास्ट एंड ऑफ स्ट्रिंग कंडीशन क्या रहेगा इस केस में? नल. इस केस में लूप कब तक इटरेट होगा? जब तक ए ऑफ आई के अंदर या ए ऑफ आई का वैल्यू नल के इक्विवेलेंट नहीं है. जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा तब तक इसका मीनिंग क्या है? स्ट्रिंग के अंदर मोर कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं देन आई प्लस प्लस, क्योंकि इंडेक्स में जस्ट डिफरेंस कितने का? 1 का इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. नेक्स्ट वन, जैसे ये लूप चलेगा तो लूप का जस्ट पर्पज क्या है? ट्रेवर्सिंग ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग. क्लियर? लेकिन स्ट्रिंग के केसेस में कैरेक्टर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे? मीन्स मे बी अल्फाबेट्स, मे बी स्पेशल सिंबल्स और मे बी डिजिट्स. तो इस केस में मीन्स करेंटली ए ऑफ आई मीन्स एनी पोजिशन और एनी कैरेक्टर. इसे रिप्रेजेंट क्या करेगा? आइदर अल्फाबेट्स, अगर अल्फाबेट है देन अल्फाबेट के केस में पॉसिबल केस क्या होंगे? आइदर वोवेल और कंसोनेंट. दूसरा पॉसिबल केस क्या है? मे बी डिजिट्स और मे बी सम स्पेशल सिंबल. क्लियर? टोटल 3 केस हैं. तो 3 केसेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मीन्स आपको ऑपरेशंस ओनली किसके लिए अप्लाई करना? ओनली फॉर अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स फाउंड हो रहा है देन चेक करोगे
कंसोनेंट है तो इस केस में अगर वोवेल है तो वीसी में इंक्रीमेंट होगा, कंसोनेंट है देन सीसी में इंक्रीमेंट होगा। तो इस केस में अल्फा मीन्स ओनली इंक्रीमेंट किस केस में कराना, ओनली इन केस ऑफ अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स के लिए फिल्टर अप्लाई करने के लिए अप्लाई क्या करेंगे, सम मोर इफ कंडीशन, इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन में जस्ट अप्लाई किसके लिए कर रहा हूँ, वोवेल्स के लिए, क्योंकि कंसोनेंट के लिए अगर आप कंडीशन अप्लाई करोगे देन टोटल अगर डिजिट्स की बात करें टोटल कितने कैरेक्टर्स होंगे अल्फाबेट्स के, इसमें 26 लोअर एंड 26 अपर, आउट ऑफ देम 5 लोअर कंसोनेंट्स 5 अपर कंसोनेंट्स, टोटल अल्फाबेट्स कितने 52। देन 52 अल्फाबेट्स में से कंसोनेंट कितने होंगे 42, वोवेल्स कितने होंगे 10। तो इसके समय अगर आप कंसोनेंट के लिए कंडीशन अप्लाई करो तो कंडीशंस कितने रिक्वायर्ड होंगे 42 कंडीशंस, वोवेल्स के केस में कंडीशंस कितने रिक्वायर्ड, ओनली 10 कंडीशन। तो कंडीशन किसके लिए अप्लाई करेंगे इस केस में, ओनली फॉर वोवेल्स। वोवेल्स के लिए जस्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे कैरेक्टर एवरी टाइम रिप्रेजेंट किसे हुआ ए ऑफ आई से, इफ वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई, सबसे पहले चेक करेंगे चेक द गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट। मिसे आपको ये इंक्रीमेंट कब कराना, ओनली इन केस ऑफ अल्फाबेट। तो पहले कंडीशन किसके लिए अप्लाई करेंगे, अल्फाबेट्स के लिए। देन अगर गिवन कैरेक्टर अल्फाबेट फाउंड होता तो इस केस में कंडीशन क्या बन जाएगा, मिस अल्फाबेट होगा तो आइदर लोअर केस होगा या अपर केस। तो सबसे पहले मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ अपर केस चेक करने के लिए, और ए ऑफ आई का वैल्यू, ए ऑफ आई का आस्की वैल्यू ए से बड़ा है, सेम एज ए ऑफ आई का वैल्यू कैपिटल जेड से छोटा है, देन इस केस में कंसिडर क्या होगा अपर केस। अपर केस के अलावा दूसरा पॉसिबल केस क्या, और ए ऑफ आई मे बी लोअर केस अल्फाबेट। तो लोअर केस के लिए अगेन सेम कंडीशन रिक्वायर्ड होगा, ए ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड ए ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जेड, दिस इज द कंडीशन। देन इस कंडीशंस के बेसिस पर केवल आपको एक्नॉलेजमेंट किसका मिला, गिवन कैरेक्टर या अल्फाबेट्स। देन अल्फाबेट्स के रिस्पेक्ट में अगेन आपको चेक क्या करना है, अगर ये अल्फाबेट है देन या तो वोवेल होगा या फिर कंसोनेंट। देन नेक्स्ट कंडीशन किसके लिए अप्लाई करेंगे, वोवेल्स के लिए। वोवेल्स के लिए कितने कंडीशंस होंगे, जस्ट 10 कंपेरिजन। तो अगेन इनर कंडीशन, इफ के अंदर अगेन इनर कंडीशन क्या, इफ ए ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू कैपिटल ए, पॉसिबल केस कितने 1 2 3 4 5, और ए ऑफ आई इक्वल्स टू इक्वल इक्वल्स टू नेक्स्ट कंडीशन 4 ई, और थर्ड कंडीशन किसके लिए अप्लाई करेंगे आई के लिए, और ए ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू कैपिटल आई, और ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू कैपिटल ओ, और नेक्स्ट कंडीशन और ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू कैपिटल यू। और मिस अभी मैंने टोटल 5 कंडीशन अप्लाई किसके लिए की, ओनली फॉर चेकिंग अपर केस वोवेल्स। लोअर केस वोवेल्स के लिए अगेन सेम 5 कंडीशन रिपीट होंगे, और ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू स्मॉल ए और मे बी स्मॉल ई, अगेन सेम कंडीशन ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू स्मॉल ई और ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू स्मॉल आई, अगेन और ऑपरेटर क्लियर। मैं जस्ट इसको रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंडीशन आई के बाद नेक्स्ट कंडीशन किसके लिए अप्लाई करना, जस्ट ओ एंड यू, अगेन और ऑपरेटर ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू स्मॉल ओ, और लास्ट कंडीशन ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू स्मॉल यू, दैट्स अ कंडीशन। इसे कंडीशन जस्ट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, गिवन कैरेक्टर इज वोवेल्स। वोवेल्स है देन इंक्रीमेंट किसमें कराएंगे, वीसी प्लस प्लस इंक्रीमेंट, मीन्स इनसाइड बॉडी ऑफ इफ इंक्रीमेंट इन वीसी प्लस प्लस। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मीन्स इसके इसमें दो ही पॉसिबल केस हैं, ऑलरेडी आप आउटर कंडीशन से सेटिस्फाई कर चुके हो, मीन्स गिवन ए ऑफ आई करंटली रिप्रेजेंट किया करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है आउटर इफ का देन 100% गिवन कैरेक्टर क्या अल्फाबेट। देन अल्फाबेट के केस में दो ही पॉसिबल केस होंगे, आइदर वोवेल्स और कंसोनेंट। देन नेक्स्ट कंडीशन वोवेल्स के लिए अप्लाई किया, अगर गिवन अल्फाबेट वोवेल्स भी नहीं है देन उस केस में
दूसरा मीन्स अदरवाइज दूसरा पॉसिबल केस क्या है, एल्स कंसोनेंट। तो इसके इसमें एल्स पार्ट में जस्ट इंक्रीमेंट किसमें करा हुई, सी सी, सी सी मीन्स कंसोनेंट काउंटर, सी सी प्लस प्लस। नेक्स्ट वन क्लोजिंग दिस आउटर इफ, आउटर इफ को क्लोज करने के जस्ट बाद, तो ये लूप बार बार चलता रहेगा, मीन्स फाइनली लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद, देन जितने भी वॉवेल्स और अल्फाबेट मीन्स वॉवेल्स और कंसोनेंट होंगे, सारे के सारे वॉवेल्स और कंसोनेंट का काउंटिंग वैल्यू किसमें, इन साइड गिवन वैल्यू, देन लूप के जस्ट बाद डिस्प्ले क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ प्रिंट एफ कंसोनेंट काउंटर एंड वॉवेल्स काउंटर, वॉवेल्स आर और नंबर ऑफ वॉवेल्स इज परसेंट डी स्लैश एन, डिस्प्ले क्या कराएंगे वी सी, देन नेक्स्ट वन अगेन डिस्प्ले क्या कराओ, वैल्यू ऑफ कंसोनेंट काउंटर प्रिंट एफ नंबर ऑफ कंसोनेंट्स आर परसेंट डी देन वैल्यू ऑफ सी सी कंसोनेंट काउंटर, देन क्लोज दिस फंक्शंस, क्लियर। देन इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए आप कॉल क्या यूज क्या करो, सम मेन फंक्शन, क्योंकि कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन कभी इट सेल्फ कॉल नहीं होगा, फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए अगेन इसके जस्ट बाद क्रिएट क्या करेंगे, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के अंदर आप खुद से कोई भी लॉजिक्स यूज कर सकते हो, जस्ट टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज। क्रिएट क्या करो, सम कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे एस विद मैक्सिमम साइज एस समथिंग 100, देन इसका वैल्यू रीड कराने के लिए कीवर्ड से रीड कराने, देन यूज क्या करेंगे गेट्स फंक्शन, गेट्स फंक्शन में पास किया एस, देन स्ट्रिंग एस के लिए डेटा कीवर्ड से रीड हो जाए जस्ट, इसके जस्ट बाद कॉल क्या करा लेंगे काउंट फंक्शन। तो जब काउंट फंक्शन कॉल होगा, काउंट फंक्शन के थ्रू काउंट क्या कराना, नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड नंबर ऑफ कंसोनेंट्स स्टोर किसमें स्ट्रिंग एस में, देन सप्लाई क्या करोगे एस, देन क्लोजिंग दिस मेन फंक्शन। इस टाइप से आपके लिए फंक्शनलिटी टेस्ट करना पॉसिबल है, मीन इस पर्टिकुलर लॉजिक्स के थ्रू नंबर ऑफ वॉवेल्स और नंबर ऑफ कंसोनेंट्स काउंट करना पॉसिबल। फिर से एक बार फिर से चेक कर सकते हो, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल कंसेंट होगा हेडर ऑफ काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन के अंदर थ्री वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, आई वेरिएबल आई को क्रिएट करने का पर्पज क्या है, जस्ट मैनेजिंग लूप्स और इटरेटिंग ऑल एलिमेंट ऑफ द कैरेक्टर एरे। नेक्स्ट वन वी सी एंड सी सी, वी सी में स्टोर करेंगे वॉवेल्स काउंटर, सी सी में स्टोर करेंगे कंसोनेंट काउंटर। इनिशियली आपके पास कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने या कंसोनेंट कितने, इसलिए इनिशियलाइजेशन किससे कराया जीरो से। उसका ये लूप इटरेट का लूप का जस्ट पर्पज क्या है, रीडिंग ऑल एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे और गिवन स्ट्रिंग। नेक्स्ट वन फर्स्ट आउटर कंडीशन, फर्स्ट आउटर कंडीशन के थ्रू जस्ट चेक क्या कर रहे हैं, मीन्स आप सभी केसेस में काउंट करोगे और ओनली इन केस ऑफ अल्फाबेट्स, ओनली इन केस ऑफ अल्फाबेट्स, लेकिन हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल सिंबल्स भी हों या फिर डिजिट्स भी हों। अगर आप ऑलरेडी तो आपको बोला जाएगा एग्जामिनर के थ्रू कि मीन्स गिवन स्ट्रिंग के अंदर ओनली सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स के फॉर्म में, देन आपको लिए अल्फाबेट्स के लिए सेपरेटली कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, मीन्स प्रोग्रामिंग लॉजिक सभी सिचुएशन में वर्क करें, मीन्स स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स हों या न्यूमेरिक डिजिट्स हों या फिर स्पेशल सिंबल्स हों तब भी एक परफेक्टली वर्क करें, क्लियर। देन पहले अल्फाबेट टेस्ट करो, अगर अल्फाबेट्स के लिए कंडीशन टू है, देन अल्फाबेट्स के बाद टेस्ट क्या करोगे, या तो अल्फाबेट वॉवेल्स होगा या फिर कंसोनेंट, इसलिए करस्पॉन्डिंग मैंने इंक्रीमेंट परफॉर्म करा। देन फाइनली जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप का कंडीशन फॉल्स हो चुका है, इसका मतलब क्या है स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर आप चेक कर चुके, देन इसके बाद डिस्प्ले क्या करा लो फाइनल वैल्यू ऑफ वी सी एंड सी सी।